मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज अंबाला पहुंचे और अंबाला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तीन अलग अलग जगह पर कार्यकर्ताओं के घर जाकर चाय पी। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीडिया से भी बातचीत की। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने, सुनिए हमारे साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला में पतरेड़ी गांव मगरपुरा और गांव साहा में भाजपा नेताओं के आवास पर चाय पी। आज मुख्यमंत्री ने कई जगहों पर ऐसे कार्यक्रम रखे जहां मुख्यमंत्री चाय के लिए कार्यकर्ताओं के घर पर गए। अंबाला के साहा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 3.5 साल उन्होंने चंडीगढ़ को दिए और अब विकास के काम सही तरीके से चल रहे हैं। अब वह बाकी का समय जनता से संपर्क करने का कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं से वो मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो आज 18 कार्यकर्ताओं के घर चाय पीने जाएंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं से मिलना ये मेरा अपना काम है, मेरे अपने परिवार के लोग हैं, इसलिए अब चूंकि लगातार हमने 3.5 साल सरकार के कामों को बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ में ज्यादा समय दिया, अब जो समय है क्योंकि चंडीगढ़ के काम स्मूथ गति से अपने चल पड़े हैं, सारी घोषणाएं सारे काम हो रहे हैं, अब अगला जो मेरा दौर है वो विभिन्न प्रकार के अभियान, चाहे उसमें राहगीरी के कार्यक्रम है, चाहे उसके अंदर रोड शो के कार्यक्रम है, ग्रामीण विधानसभाओं के अंदर मैं एक एक विधानसभा में 3-3, 4-4 जगह लोगों से सीधा वार्तालाप कर रहा हूँ, और ये कार्यकर्ताओं के यहाँ जाना आज दिन भर मेरा कोई लगभग 18-20 कार्यकर्ताओं के यहाँ इस प्रकार चाय पर चर्चा के ये कार्यक्रम है, तो सामान्यतया कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना ये अपना परिवार का एक काम है। MSP बढ़ाए जाने पर मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि यह लंबी मांग थी जिसे प्रधानमंत्री ने पूरा किया। उन्होंने कहा इससे किसान खुशहाल रहेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने हमारी बहुत लंबी एक ये यानी मांग थी किसानों की, उसको पूरा किया है और जितना यानी जो तय किया MSP वो लागत मूल्य का 1.5 गुना है। जो 1.5 गुना लागत मूल्य पर ये जो MSP करने का विषय था वो पूरा हुआ, इसके लिए किसान भी खुश है और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।